दोस्तों किसी ने बहुत खूब कहा है, गोल्डफिश आर फ्लावर्स एंड फ्लावर्स दैट मूव। एग्जैक्टली दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारा जो नया स्टॉक आया है गोल्डफिश के ऊपर, उसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, लेकिन उससे पहले आप सभी को अशोक कॉफीज में वेलकम। कैसे हम लोग गोल्डफिश का जो स्टॉक आया है उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, उसको कैसे टैंक में डालेंगे, ये सब बताएंगे। और उसके साथ जो बताएंगे गोल्डफिश के बारे में बेसिक कुछ नॉलेज, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। मुझे पता है दोस्तों, एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा चढ़ गया है क्योंकि अभी गोल्डफिश का अनबॉक्सिंग हो चुका है। अभी टैंक में डालने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा वो सब कोई देखना चाहता है। तो देखिए इसमें तो आपने देखा कि रैंचोस का और उसका बाद ओरिंडा का इतना सारा वैरायटी मेरे पास आया हुआ है, तो वो सबको तो दिखाऊंगा। लेकिन एक टिप्स, एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा मैं दे के रखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो इंडियन गोल्डफिश है और एक्सपोर्ट गोल्डफिश में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ का जो इंडियन गोल्डफिश है ना, ये छोटा छोटा पॉन्ड में, सीमेंट का छोटा छोटा टैंक में इसको ग्रो किया जाता है, इसको एनहेंस किया जाता है, इसको बड़ा किया जाता है। तो इसका जो मेंटेनेंस है, इसका जो टैंक का जो सेटअप है वो थोड़ा दूसरा होगा, और बाहर से जो इम्पोर्टेड गोल्डफिश लाता है ना उसका थोड़ा सेटअप अलग होगा। देखिए बाहर का जो गोल्डफिश है वो फ्लो में, हाई फिल्ट्रेशन में और ठंडा पानी में वो आराम से रह जाएगा। गोल्डफिश बल्कि ये ठंडा पानी का ही फिश है, लेकिन आप अगर इंडियन ब्रीड लाते हो और टैंक में डालते हो और हाई फिल्ट्रेशन कर देते हो, फ्लो वगैरह ये सब डाल देते हो, तो ये फिश के लिए, आपके फिश के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, राइट। सो जब आप ये इंडियन ब्रीड रख रहे हो तो आपको फिल्ट्रेशन बहुत समझ के करना पड़ेगा। वो जो टैंक में बबल्स होता है ना, वो बबल्स जितना कम होगा, पानी में हवा जितना कम काटेगा उतना आपके गोल्डफिश के लिए अच्छा है। तो दोस्तों डिटेल्स में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, फोन कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बात बोल के रखता हूँ, बहुत सारे दोस्त कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे पता है कि दादा दो दिन तीन दिन बाद जाके किसी किसी मैसेज में आपका रिप्लाई आ रहा है। देखिए दोस्तों, सारे इंडिया से बहुत सारा मैसेज मेरे पास आता है, ये आप लोगों का प्यार है, इसके लिए मेनी थैंक्स। और मैं सॉरी भी दिल से बोलता हूँ कि मैं टाइमली रिप्लाई सबको नहीं कर पाता, क्योंकि व्हाट्सएप में मैसेज आता है, फेसबुक में मैसेज आता है, कॉल्स मुझे पकड़ना पड़ता है, कस्टमर जो घर में आता है उसको एंटरटेन करना पड़ता है, उसका बाद हम लोगों का इतना सारा मेंटेनेंस है, अकाउंट्स है, तो ये सब के चक्कर में कभी कभी दोस्तों आप लोगों को रिस्पॉन्स करना थोड़ा लेट हो जाता है। तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज दिल में मत लीजिएगा। मैं अगर रिप्लाई नहीं करता हूं तो थोड़ा मुझे रिपीट मैसेज या कॉल कीजिए। तो चलिए बात को अभी यहां खत्म करते हैं और सीधे जाते हैं कि जब हम लोग गोल्डफिश टैंक में डाल रहे तो वो लुक्स चलिए दिखाता हूं। डालने के बाद इसका जो ब्यूटीनेस है ये तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, आप सभी को दिख ही रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, गोल्डफिश को जितना कम कम खाना देंगे उतना अच्छा। ये पॉटी उटी करेगा, वाटर का वाटर पैरामीटर, वाटर पीएच लेवल अप डाउन हो जाएगा, अमोनिया लेवल बढ़ जाएगा, तो वो आपके फिशेस के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें ज्यादा बात, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। आप लोग चलिए बाकी जो जो स्टॉक है और पूरा टैंक गोल्डफिश से भर जाने के बाद कैसा दिख रहा है, चलिए और एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों
दोस्तों आने वाले दिनों में आपको इसी चैनल पे बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है स्टिंगरेस के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। एरोना के ऊपर बिगिनर्स के लिए जो वीडियो बहुत सारे दोस्त है जो रिक्वेस्ट करे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। सिकलिट्स के ऊपर वीडियो बना रहे, कोई कोई दूसरा फिशेस का भी ऊपर वीडियो का रिक्वेस्ट भेज रहे। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे वन बाई वन सारा वीडियो आप लोगों के लिए लाने का। तो इस चैनल पे दोस्तों आप लोग टिके रहिए, और अगर लगता है इस चैनल से आप लोगों को हेल्प मिल रहा है तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों देख के रखता हूँ, हम लोगों का जो फिशडम एक नया पेज हम लोगों ने आप लोगों के लिए ओपन किया है। फिशडम तो वो फिशडम में हम लोग कोई सेल पोस्ट नहीं कर रहे, उसमें सिर्फ हर तरीके का डिफरेंस तरीके का कैसे टैंक को डेकोरेट करना है, कौन सा फिश को कैसे खाना खिलाना चाहिए, कौन सा फिश क्या टेम्परेचर में रहता है, बहुत सारा इंफॉर्मेटिव नोट्स वहां पे दिया गया है। आप लोग सब कोई प्लीज फिशडम को फॉलो कीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू, शॉप बाय, खूब भालो थाकबेन।